यादव ने सांसद रह चुकी स्वर्गीय फूलन देवी के परिवार को 1,00,000 रुपए की आर्थिक मदद भेजी है। कुख्यात डकैत से सांसद बनने तक का सफर तय करने वाली फूलन देवी, जो कि काल्पी के गुढ़ापुरवा की निवासी थीं, आज भी फूलन देवी का परिवार इसी गांव के टूटे फूटे कच्चे घास फूस के घर में रहकर गुजर बसर कर रहा है। फूलन देवी के परिवार की नाजुक आर्थिक स्थिति की सूचना मिलने पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने फूलन देवी के परिवार को 1,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा भेजी गई 1,00,000 रुपए की आर्थिक मदद पाके फूलन देवी की बहन काफी खुश नजर आई। पुराने जमाने के वो भाई हैं अखिलेश भाई, अब किसने अखिलेश भाई ने हमें करी तो हम बहुत कुछ अब खुश हैं। हमें 50,000 की मदद मिली, हमें 50,000 की अम्मा का। ज्ञात हो कि बीते कुछ दिनों पहले पूर्व प्रधान रामबाबू निषाद के बेटे के विवाह में शिरकत करने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आए थे, जहां अखिलेश यादव को पूर्व प्रधान रामबाबू निषाद ने फूलन देवी के परिवार की दयनीय स्थिति के बारे में अवगत कराया था। अखिलेश जी को और गांव में तो सारे लोगों को इन्वाइट किया जाता है, तो उन्होंने मुझसे इनके बारे में जानकारी चाही। अच्छा, तो मैंने बताया कि इनकी स्थिति बहुत दयनीय है, बहुत ही स्थिति खराब है, बोले आप इनको वहाँ लेकर लखनऊ लेकर के आना, मैं मदद करूँगा इनकी। और स्टेचू के बारे में भी कहा था कि इनकी स्टेचू भी लगाई जाएगी। इस मौके पर पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेंद्र यादव बजरिया, पूर्व विधायक डॉक्टर अरुण मेहरोत्रा, पूर्व ग्राम प्रधान रामबाबू निषाद, जयदेव सिंह यादव, जितेंद्र यादव, शिव बालक सिंह आदि मौजूद रहे। ये परिवार माननीय निषाद परिवार है ये, और ये बहुत ही तंगी से गुजर रहा था माननीय मुख्यमंत्री जी, जब माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी श्री अखिलेश यादव जी के पास जब ये परिवार पहुँचा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि इस परिवार की, गरीब परिवार की हम मदद करेंगे। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50,000 इनकी माता जी को, 50,000 इनकी वो फूलन देवी की बहन है उनको, अगर सरकार को कोई मदद करती है तो माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी मदद करते हैं हर गरीब परिवार। न्यूज बुंदेलखंड के लिए कालपी से शिवांग शुक्ला की रिपोर्ट। राम राम भैया। जैसो कि आपको पता है कि बुंदेलखंड को एकमात्र चैनल है न्यूज बुंदेलखंड, और अब तो भैया एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, मजो आ गओ, अब तो जवन खबरें आप देखो जामे बुंदेली भाषा में देखो। तो भैया देखो ना भूलियो न्यूज बुंदेलखंड।